हेलो फ्रेंड्स, मैं नंद विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं अपने आजमगढ़ शहर में काफ़ी खूबसूरत यहां पर एक ढाबा खोला जा रहा है, जिस ढाबा का नाम होने वाला है आर्कटिक कॉम्यून, जो कि इसका लोकेशन है जो मऊ रोड है बैठौली के पास आजमगढ़ में पड़ता है। और हम आपको इस वीडियो में पूरा ढाबा को कवर कराएंगे। जैसा कि आप लोग अभी पूरा पीछे का व्यू देख पा रहे होंगे, पीछे एक छोटा सा कुआं बनाया गया है, काफ़ी सुंदर बनाया गया है। अभी ये फिलहाल जो ढाबा है अभी बन रहा है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा कवर कराएंगे इस ढाबे को। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, इसका पूरा अपडेट हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और चैनल पर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो लेट ना करते हुए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ढाबा के बाहर का व्यू है, बिल्कुल इसको रोड पर बनाया गया है और अभी जो है इस पर अभी कार्य चल रहा है ढाबा को बनाने के लिए। अभी यहाँ पर आप सामने देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अभी सीमेंट के ईंट बिछाने का कार्य अभी चल रहा है जोर शोर से। उधर अभी सीमेंट के ईंट को बिछाने का कार्य अभी चल रहा है। और ये रहा ढाबा का मुख्य द्वार, जो कि एक सेट बनाया गया है, काफ़ी प्यारा व्यू है। और यहाँ पर बिल्कुल बड़े अक्षरों में यहाँ पर नेम प्लेट लगाया जाएगा, जो कि इसको अभी बनाने का भी कार्य चल रहा है। और अभी हम एंट्री लेते हैं, सारा वीडियो आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर कराएंगे। और ये किनारे किनारे आप देख पा रहे होंगे व्यू, काफ़ी प्यारा व्यू है। और इसके अंदर जो है मछलियाँ जो हैं इसके अंदर रहेंगी और इसके अंदर पानी भरा जाएगा, काफ़ी प्यारा व्यू होने वाला है। और इसके अंदर पानी भरकर और इसके अंदर जो है फुहारा बनाया जाएगा, काफ़ी सुंदर लगेगा ये देखने में। और ये जो बनाया गया है बिल्कुल लकड़ी का बनाया गया है। और इसके अंदर हम प्रवेश करते हैं और क्या क्या चीज़ें बनाई जा रही हैं चलकर आपको दिखाते हैं। तो जो इसके सामने आप देख पा रहे होंगे, सामने जो है नॉन वेज के लिए किचन बनाया गया है और वहीं पर सारा नॉन वेज से संबंधित सारा चीज़ें बनाई जाती हैं। अंदर हम विजिट करते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं हैं। तो यहां पर सारा चीज़ें नॉन वेज से संबंधित सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और इसके अंदर जो है ये सामने जो दिख रहा होगा आपको, ये कैफे बनाया जा रहा है, अभी इसका कार्य अभी चल रहा है। तो कुछ इस टाइप का दिखने वाला है ये कैफे। और अभी इस पर जो है लाइटें लगाने का भी कार्य कर दिया गया है, यहाँ पर लाइटें लगाई गई हैं जो रात के समय जब ये जलेंगी तो काफ़ी बेहद खूबसूरत लगेंगी। लाइटें अभी देख पा रहे होंगे, काफ़ी नया नया अभी लाइटें लगाई गई हैं। और ये आप टेबल देख पा रहे होंगे, काफ़ी फैंसी यहाँ पर टेबल भी लगाया गया है। तो अभी देख पा रहे होंगे अभी कार्य जो है अभी चल रहा है। तो ये काउंटर बनाया जा रहा है। और यहाँ पर किनारे किनारे सोफे लगा दिए गए हैं और यहाँ पर काफ़ी बड़ा यहाँ पर सोफ़ा बनाया गया है, जो काफ़ी बेहद खूबसूरत यहाँ पर एक एक चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं।
और ये जो आपको सामने दिख रहा होगा, यहाँ पर वेज से संबंधित देसी फूड बनाए जाएंगे, और ये जो है यहाँ पर चाइनीज़ फूड से रिलेटिव यहाँ पर नॉन वेज चीज़ें बनाई जाएंगी, और यहाँ पर देसी फूड बनाए जाएंगे। हम आपको वहाँ का किचन दिखाते हैं, और वहाँ का सारा जो है व्यवस्थाएँ बनाई गई, बैठने के लिए भी आराम से आप बैठ कर चाव के साथ खा सकते हैं। तो ये रहा, यहाँ पर वेज से संबंधित सारी चीज़ें बनाई जाएंगी, और गैस का इसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं होगा। बिल्कुल आपको जैसे भट्टे पे बनता है और उसी से संबंधित आपको बनाकर यहाँ पर खिलाया जाएगा। और ये रहा बैठने के लिए, यहाँ पर स्थान बनाया गया है और लाइटें यहाँ पर लगा दी गई हैं। तो अभी लाइटें इसको लगाने का कार्य अभी किया जाएगा, और यहाँ पर टेबल ओवर यहाँ पर नई रख दी गई हैं, और सोफे भी यहाँ पर पड़े हुए हैं नए। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। काफ़ी प्यारा यहाँ पर डिज़ाइन बनाया गया है, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी होने वाला है। और बाहर हम आपको एक सेल्फी पॉइंट दिखाएंगे, काफ़ी प्यारा व्यू है वहाँ का। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, और यहाँ से आप काफ़ी प्यारा व्यू होने वाला है। आप बैठे बैठे बाहर का नज़ारा भी आप देख पा सकते हैं, यहाँ से काफ़ी प्यारा व्यू है। और आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, इधर से एक द्वार बनाया गया है। और ये रहा कुआं जो कि बनाया गया है, काफ़ी अच्छा सेल्फी पॉइंट है, ज़्यादा गहरा नहीं है ये। और यहाँ पर एक लेडीज़ बनाई गई है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ का सेल्फी पॉइंट है। और यहाँ पर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है ढाबा। तो ये लोकेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और यहाँ पर आप सेल्फी वगैरह ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा जगह है। और ये रहा बाहर का, आप देख पा रहे होंगे पार्किंग एरिया। चाहे तो आप बाहर बैठ के भी अपना नाश्ता वास्ता कर सकते हैं, और किनारे किनारे जो है यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं शोपीस में। तो अभी आप देख सकते हैं अभी कार्य जो है चल रहा है। और इसका ओपनिंग डेट होने वाला है 20 से 25 जुलाई के अंदर में, जो कि 20 से 25 जुलाई के अंदर में इसका ओपनिंग कर दिया जाएगा आजमगढ़ में। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है वीडियो, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। और ये जो आपको सेट दिख रहा होगा, यहाँ पर आप पार्टी वगैरह सेलिब्रेट कर सकते हैं। चलते हैं आपको अंदर से दिखाते हैं कैसा व्यू है यहाँ का। तो अभी भी इधर भी कार अभी चल रहा है बनाने का, अभी यहाँ पर मार्बल वर्बल बिछा दिए गए हैं। तो अभी हम आपको एक और लोकेशन दिखाते हैं, वहाँ पर 20 से 25 लोगों के लिए आराम से आप बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपको चलकर दिखाते हैं। तो ये जो एरिया आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप 20 से 25 लोगों के लिए आप बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। और इधर भी अभी लाइटें लगाने का कार्य भी किया जाएगा। एक बार हम आपको बाहर से व्यू दिखा देते हैं।
फ्रेंड्स, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।